हाय किड्स, स्टैंडर्ड 1 जीके, अपने टेक्स्ट बुक निकालिए। चैप्टर नंबर 18, पेज नंबर 22, कैपिटल सिटीज, मतलब कौन से स्टेट का कैपिटल, कौन सा सिटी है, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे हमारे इंडिया का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली, उसी तरह से दूसरी जगहों के कैपिटल्स कौन से हैं उनके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। कैपिटल मतलब राजधानी, जहाँ से उस देश का राजकीय कार्य किया जाता है। आया समझ में सबको? हमारे यहाँ इंडिया में दिल्ली से सब कार्यवाही होती है ना, उसी तरह से हर देश का एक कैपिटल होता है, वहीं से उनकी राजकीय कार्य होते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन से कैपिटल्स हैं, कौन से सिटीज़ हैं। ओके, चलिए। भुवनेश्वर इज़ द कैपिटल ऑफ ओडिशा। ओडिशा का कैपिटल कौन सा है? भुवनेश्वर। द सिटी इज ऑल्सो कॉल्ड द टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ भुवनेश्वर में बहुत सारे मंदिर हैं, इसी की वजह से इसको टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, मंदिर का शहर बोला गया है इसे। इट इज द लार्जेस्ट सिटी इन ओडिशा। ये ओडिशा का सबसे बड़ा सिटी है। आया समझ में? ओडिशा का कैपिटल कौन सा है? भुवनेश्वर, उसे टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। राजस्थान का कैपिटल कौन सा है? जयपुर। इट इज ऑल्सो नोन एज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया। जयपुर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी ऑफ इंडिया। वहाँ पे सबसे ज़्यादा पिंक कलर देखने को मिलेगा, इसीलिए इसे पिंक सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है। जयपुर हैज़ मैनी ब्यूटीफुल पैलेसेस, टेम्पल्स एंड गार्डन्स। जयपुर में बहुत सारे अच्छे अच्छे किल्लाज हैं, मतलब महल, पैलेसेस मतलब महल, किल्लाज, टेम्पल्स मंदिर हैं बहुत सारे, एंड गार्डन्स बगीचे भी हैं, जो घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। राजस्थान का कैपिटल कौन सा है? जयपुर, पिंक सिटी ऑफ इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट। शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। मेघालय का कैपिटल कौन सा है? शिलोंग। दिस ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इज द फेमस टूरिस्ट स्पॉट। ये जो हिल स्टेशन है ये टूरिस्ट के लिए, मतलब यहाँ पे जो घूमने आते हैं उनके लिए बहुत ही फेमस है। जब भी कोई इंडिया में आता है बाहर से घूमने के लिए, वो मेघालय के शिलोंग में ज़रूर जाता है। ये बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है। शिलोंग इज वेल नोन फॉर इट्स वाटरफॉल्स, पार्क्स एंड लेक्स। शिलोंग किसकी वजह से जाना जाता है? उनमें आए वाटरफॉल्स, इसे वाटरफॉल बोलते हैं। पार्क्स मतलब गार्डन, पार्क एंड लेक, तालाब, बहुत ही अच्छी अच्छी जगह है शिलोंग में घूमने के लिए, तो उन टूरिस्ट के लिए वो बहुत ही फेमस स्पॉट है कि वहाँ पे जाना ही होगा, अच्छी जगह है घूमने के लिए। चलिए नेक्स्ट। बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका का कैपिटल कौन सा है? बेंगलुरु। दिस गार्डन सिटी इज ऑल्सो नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया।
ये जो गार्डन सिटी है उसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गार्डन आए हुए हैं जो कि आकर्षक है। अलग अलग तरह के गार्डन्स हैं वहाँ पे। इट हैज़ मैनी फेमस पार्क्स, म्यूजियम्स एंड पैलेसेस। वहाँ पे भी बहुत ही अच्छे गार्डन्स, मतलब पार्क्स, म्यूजियम, जहाँ पर पुरानी चीज़ें रखी है देखने के लिए, उसे म्यूजियम बोलते हैं। एंड पैलेसेस, किल्लाज, महल। कर्नाटका के बेंगलुरु में क्या है घूमने को? पार्क्स, म्यूजियम्स एंड पैलेसेस। आया समझ में? चलिए आगे। पणजी इज द कैपिटल ऑफ द स्मॉलेस्ट इंडियन स्टेट, गोवा। स्मॉलेस्ट इंडियन स्टेट, इंडिया का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और गोवा का कैपिटल कौन सा है? पणजी। दिस ब्यूटीफुल प्लेस इज फेमस फॉर इट्स बीचीज, चर्चिज, स्मॉल आइलैंड एंड द डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी। ये जाना जाता है वहां पे आए हुए बीचीज, मतलब समंदर का किनारा, बीच। चर्चिज, ऐसे चर्च होते हैं वो बहुत सारे हैं। स्मॉल आइलैंड, एक छोटा सा टापू। एंड डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के कई सारे बर्ड्स हैं जिनको संभाल के रखा गया है, वो बहुत ही अच्छा है देखने के लिए। इसकी वजह से गोवा फेमस है। आया सब समझ में आपको? अगर एग्जाम में इस तरह से पूछा जाए कि भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ ब्लैंक, और ऑप्शन दिए गए हैं जयपुर, ओडिशा एंड मेघालय, सॉरी राजस्थान, ओडिशा एंड मेघालय, तो आपको आंसर में क्या टिक करना है? ओडिशा। भुवनेश्वर कौन सा, कौन से स्टेट का कैपिटल है? ओडिशा का। आया समझ में? उसी तरह से अगला होगा कि ब्लैंक इज द कैपिटल ऑफ मेघालय, मेघालय का कैपिटल कौन सा है? शिलोंग, जयपुर या फिर बेंगलुरु? तो आप कहाँ पे टिक करोगे? शिलोंग में। मेघालय का कैपिटल कौन सा है? शिलोंग। आया समझ में? ब्लैंक हैज मैनी ब्यूटीफुल पैलेसेस, टेम्पल्स एंड गार्डन्स। कहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पैलेसेस, महल, मंदिर और गार्डन आए हुए हैं? जयपुर में, भुवनेश्वर में या फिर पणजी में? तो जयपुर में टिक करना है। पैलेसेस, टेम्पल्स एंड गार्डन्स कहाँ पे हैं? जयपुर में। इस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आया समझ में आपको? तो इस तरह से आपको याद करना है कि ओडिशा का कैपिटल कौन सा है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कौन से स्टेट का कैपिटल है? ओडिशा का। फिर टेंपल सिटी ऑफ इंडिया किसे बोला गया है? भुवनेश्वर को। भुवनेश्वर को कौन, किस नाम से जाना जाता है? टेंपल सिटी ऑफ इंडिया। इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन आपको आएंगे। जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी ऑफ इंडिया। जयपुर इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैंक, तो पिंक सिटी ऑफ इंडिया। फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स कौन सी जगह है? शिलोंग। फेमस टूरिस्ट स्पॉट शिलोंग। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे बोला गया है? बेंगलुरु को। आया समझ में? आपको किस तरह से तैयार करना है एग्जाम के लिए? हर चैप्टर में इसी तरह से आएगा। ओके, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 19, वर्ड गेम, मतलब शब्दों की रमत, गेम खेलना है आपको शब्दों से।
किस तरह से, चलिए देखते हैं। श्वेता हैज टू कंप्लीट हर क्लास वर्क, श्वेता को अपना ये क्लास वर्क खत्म करना है। हेल्प हर फिनिश इट बिफोर हर टीचर आस्क फॉर द एक्टिविटी शीट, जब टीचर उसके पास से एक्टिविटी शीट मांगे उसके पहले आपको इन्हें फिलअप करना कराने में श्वेता की हेल्प करनी है। जैसे आपको क्लास में देते हैं ना कि आप पहले ये ख़त्म कर लो फिर आगे पढ़ेंगे, तो वो ख़त्म करने से पहले जब भी टीचर आपकी बुक मांगे उसके पहले आपको ये ख़त्म करना है, श्वेता की हेल्प करनी है। आया समझ में? अब क्या है यहाँ पे, यूज पिक्चर्स क्लूज एंड राइट द आंसर अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। आपको इन पिक्चर्स के ऊपर से आंसर्स को बताना है कि कौन सा आंसर कहाँ पे आएगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट, पहले हम पिक्चर्स के नाम पढ़ लेंगे। आइए, क्या है ये? कप, ये कैमल, ये कांगारू, फिर ये क्या है? मंकी, ये क्या है? सांता क्लॉज, ये क्या है? फिश, और ये लास्ट वाला क्या है? हाउस। आया सबको समझ में? चलिए अब फिलअप करना है। पेंसिल ले लीजिए अपने हाथों में एंड फिलअप करते जाइए। यू ड्रिंक मिल्क इन इट, आप इसमें दूध पीते हैं। कोई कोई लोग चाय पीते होंगे या फिर कोई मिक्स पीते होंगे चाय और दूध, लेकिन किस में पीते हैं आप लोग? कप में। तो आपको यहाँ पे लिखना है कप, लिखिए सी यू पी कप। लिखा सबने? सी यू पी कप। आप किस में दूध पीते हैं, किस में पीते हैं मिल्क? कप में, सी यू पी कप। ओके, चलिए नेक्स्ट। इट इज कॉल्ड द शीप ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट मतलब रण, जहाँ पे बहुत सारी धूल होती है वहाँ का शिप, जहाज किसको माना गया है? रण का जहाज कौन है? द शिप ऑफ द डेजर्ट कौन है? कैमल। तो आपको यहाँ पे लिखना है कैमल, लिखिए सी ए एम ई एल। लिखा सबने? द शिप ऑफ द डेजर्ट कौन है? कैमल, सी ए एम ई एल। नेक्स्ट, इट हैज अ पाउच टू कीप इट्स बेबी, इनके पास यहाँ पे एक पाउच होता है अपने छोटे से बेबी को रखने के लिए। कौन है ये? कांगारू, लिखिए के ए एन जी ए आर ओ ओ, कांगारू। अपने बेबीज को रखने के लिए उनके पास पाउच है। इट हैज अ पाउच टू कीप इट्स बेबी, कौन? कांगारू, के ए एन जी ए आर डबल ओ। लिखा सबने? चलिए नेक्स्ट। इट जंप्स फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ अ ट्री टू अनदर, ये पेड़ पर एक डाली से दूसरी डाली पे जंप करता है। कौन है ये? मंकी, लिखिए एम ओ एन के ई वाई।
इट जंप्स फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ अ ट्री टू अनदर, एक डाल से दूसरी डाल पे कूद के जाता है, कौन? मंकी, एम ओ एन के ई वाई, मंकी। चलिए नेक्स्ट, ही ब्रिंग्स गिफ्ट्स फॉर अस ऑन क्रिसमस, क्रिसमस पे हमारे लिए गिफ्ट्स लेके आते हैं, कौन लेके आते हैं? सांता क्लॉज। लिखिए एस ए एन टी ए सी एल ए यू ए एस ई, सांता क्लॉज। क्रिसमस पे हमारे लिए गिफ्ट कौन लाता है? सांता क्लॉज, एस ए एन टी ए सी एल ए यू ए एस ई, सांता क्लॉज। नेक्स्ट, इट लिव्स इन वॉटर, ये पानी में रहता है, कौन है ये? फिश। लिखिए एफ आई एस एच, इट लिव्स इन वॉटर, पानी में कौन रहता है? फिश, एफ आई एस एच, लिखा सबने? चलिए नेक्स्ट, यू लिव इन ईट, आप कहाँ पे रहते हैं? हाउस में। लिखिए एच ओ यू एस ई, यू लिव्स इन ईट, कहाँ पे रहते हैं आप? हाउस में, एच ओ यू एस ई, लिखा सबने? आया सबको समझ में? क्या पढ़ा आपने? कैपिटल सिटीज, राजधानी के बारे में, कौन से स्टेट की राजधानी कौन सी है, ओके? एंड यहाँ पे आपने वर्कशीट कंप्लीट की है ना, किस तरह से एग्जाम में आएगा वो बताया मैंने, आ गया समझ में? चलिए अच्छी बात है। अब आपका होमवर्क, तो आपको चैप्टर 11 में से कोई भी दो सिटीज के बारे में लिखना है, पता चल रहा है? कोई भी दो सिटीज, चाहे आप भुवनेश्वर के बारे में लिखो, जयपुर के बारे में लिखो, शिलोंग, बेंगलुरु या फिर पणजी, कोई भी दो, ये दो ये दो ये दो ये किसी भी तरह से दो सिटीज के बारे में आपको लिखना है, लेकिन पूरा लिखना है। जैसे कि आपने भुवनेश्वर के बारे में लिखा, तो आपको पूरा लिखना है, भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा, द सिटी इज ऑल्सो कॉल्ड द टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, इट इज द लार्जेस्ट सिटी इन ओडिशा। आया समझ में? इस तरह से पूरा लिखना है कोई भी दो सिटीज के बारे में। एंड चैप्टर 19 में ये 7 के 7 सेंटेंस आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ये ड्रॉ नहीं करना है, ओके? सिर्फ लिखना है यू ड्रिंक मिल्क इन ईट, तो आंसर क्या आएगा? कप, सी यू पी। इट इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो आंसर क्या आएगा? कैमल, सी ए एम ई एल। इस तरह से आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आया समझ में? तो ये है आपका होमवर्क, राइट अबाउट एनी टू सिटीज फ्रॉम चैप्टर 18। अभी बताया ना मैंने आपको चैप्टर 18 में से कोई भी दो सिटीज के बारे में लिखना है वो, एंड राइट चैप्टर 19। ये पूरे के पूरे 7 सेंटेंसेस आपको अपनी जीके की नोटबुक में लिखने हैं। आ गया समझ में? चलिए, थैंक यू।